Realme C53 स्मार्टफोन फाइनली इंडिया मार्केट में 19 जुलाई को लॉन्च होने वाला है Flipkart पे। वैसे ये स्मार्टफोन ऑलरेडी मलेशिया के अंदर लॉन्च हो चुका है, लेकिन अगर इसी स्मार्टफोन को उठा के इंडिया मार्केट में अगर लॉन्च कर देते तो शायद ये स्मार्टफोन चल नहीं पाता, क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर कुछ हटके चीज़ है ही नहीं। यहाँ पे आपको नॉर्मल जो चीज़ें मिल जाती है वो मिल जाती है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। तो Realme ने एक कमाल का काम किया, Realme ने 50 मेगापिक्सल का कैमरा हटा के यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा डाल दिया। अब क्योंकि कैमरा बढ़ा दिया है तो कहीं तो कॉस्ट कटिंग करनी थी, इस वजह से यहाँ पे जो 33 वॉट का चार्जर है इसको हटा के यहाँ पे 18 वॉट की चार्जिंग प्रोवाइड कर दी, तो एक टाइप का बैलेंस देखने को मिल जाता है। और यही स्मार्टफोन अब इंडिया मार्केट के अंदर 19 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। इस स्मार्टफोन का स्पेक्स मैं आपको बताता हूँ, लेकिन प्राइस आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्लिटरिंग टाइप की बैक पैनल की डिजाइन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आईफोन टाइप का कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है, बॉक्सी डिजाइन के साथ में आता है विद कर्व्ड एजेस। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.74 इंच का एक नॉच डिस्प्ले मिल जाता है, HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ में आता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 180 हर्ट्ज का टच सैंपल रेट मिल जाता है, अप टू 560 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे नॉच डिस्प्ले दिया है इस वजह से यहाँ पे आपको मिनी कैप्सूल की डिजाइन भी देखने को मिल जाती है इस स्मार्टफोन के अंदर। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे वो मलेशिया वाला ही UniSoC का T612 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अभी ये जो प्रोसेसर है 8-9 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज के अंदर सही है, क्योंकि एक 4G प्रोसेसर ऊपर से 12 नैनोमीटर पे बना हुआ है। 2 कोर्स ही कॉर्टेक्स A75 बेस्ड है, बाकी के 6 कोर्स है वो कॉर्टेक्स A55 बेस्ड देखने को मिल जाता है। इस प्रोसेसर की कमाल की बात यह है कि ये प्रोसेसर 108 मेगापिक्सल के कैमरे को सपोर्ट करता है, जो कि आप लोग अभी ऑन स्क्रीन देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, इसके अलावा आपको एक और डेप्थ सेंसर मिल जाता है, सेल्फी में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 33 वॉट जो मलेशिया में लॉन्च हुआ उसके बदले यहाँ पे आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 2 सिम कार्ड प्लस अलग से डेडिकेटेड microSD कार्ड स्लॉट आप लगा सकते हो। इसके अलावा बाकी सारे नॉर्मल चीजें मिल जाती है, जैसे कि बॉटम फायरिंग सिंगल स्पीकर, एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। ओवरऑल Realme C53 स्मार्टफोन की एक हाईलाइट ये बन जाती है कि वो 108 मेगापिक्सल के साथ में आता है, ये एक 4G स्मार्टफोन होने वाला है। सो स्पेक्स मैंने आपके साथ में शेयर कर दिए, अब प्राइस आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइए। ये जो स्पेक्स के साथ में अगर Realme C53 स्मार्टफोन जो कि इंडिया मार्केट में लॉन्च होने वाला है, अगर ये स्पेक्स के साथ में आता है तो आप लोग किस प्राइस रेंज के अंदर इस स्मार्टफोन को बेस्ट तरीके से खरीदना पसंद करोगे हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। इसके अलावा दी पावरफुल टेक्नो कैमोन 20 प्रो 20,000 वाला स्मार्टफोन हमने कैसे 10,000 रुपए से भी नीचे परचेज किया, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।